हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला और भाई आज के वीडियो में भी थोड़ा नॉइस हो सकता है क्योंकि मेरे घर के पास में जेसीबी से खुदाई चल रहा है, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो भाई आज हम आ चुके हैं भाई मेरे सब्सक्राइबर के अकाउंट के भाई नाम देखो भाई, एसपी फैन नाम है भाई लिटरली। तो छोड़ो मैं क्या बोलूँ भाई, छोड़ो। तो भाई सबसे पहला बात तो अपना मेगा रिक्वेस्ट वापस आ चुका है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट स्पिन करूंगा क्योंकि बहुत वीडियो बना दिया है इस पर। अब भाई मेरे पास आईडी रिव्यू का भाई इतना लंबा चौड़ा लिस्ट है, क्या बताओ भाई। मेरे पास अभी भी 5-6 अकाउंट पड़े हैं जिनको रिव्यू करना बाकी है। तो भाई छोड़ो उनको, अभी फीस्ट पे मैं बात कर लेता हूँ। तो भाई फीस्ट के बारे में आप लोगों को सब तो मतलब आप सबको लोगों को तो पता ही होगा यहाँ से कैसे खेलते हैं। तो भाई यहाँ से सारी चीज़ें क्लेम कर लो और ये डोनेट कर लो। और ये कॉइन का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसका जाना है हमें एक्सचेंज हाउस, इधर से नहीं आया क्या, डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, ये फीस्ट एक्सचेंज में जाते हैं। ये जो ऑरेंज वाला टीएम सिटी राइटर है, मतलब सिटी राइटर, ये वाला लेना भाई हमेशा। अगर आपको मिडल मतलब टीएम आपका 80 अभी तक 6 टीएम्स का नहीं हुआ है तो भाई ये ले लो क्योंकि यही बेस्ट है मैं कहूँगा यहाँ से। और भाई अगर ये 4000 वाला ख़त्म हो गया ना उसके बाद सेव करना, यहाँ से मत लेना, अगली बार लेना। यहाँ से भाई बहुत मतलब ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो अगली बार ले लेना। तो भाई मैं तुमको बताना चाहता हूँ, तुम क्लेम स्टेमिना नहीं करते तो ये सारे चीज़ें कर लो, फिर तुम्हारा सीपी अपग्रेड होगा। भाई मैं इनका सीपी दिखा देता हूँ, बहुत कम है, 506 सर्वर का प्लेयर है। तो भाई तुम्हारा सीपी बहुत कम है, तुम्हारे पास मेगा म्यूटू, तो मैं दिखा देता हूँ इसके पास मेगा म्यूटू है, वो भी डाइविंग बिस्ट में फर्स्ट। लेकिन एक दुख की बात भी है गाइस, वो मैं इनके पोकेमोन में जाके दिखा देता हूँ, इनके पास म्यूटू ही नहीं है भाई। भाई मेरे जैसी हालत है, पहले डॉनविंग्स था लेकिन लूनाला ही नहीं था मेरे पास। छोड़ो उस बात को गुजरे हुए ज़माना हो गया। तो भाई मैं कहूँगा ये तुम्हें अगर ये म्यूटू मिल जाए तो भाई टीम तुम्हारा बहुत बेहतरीन होगा, रेशिराम को निकाल देना। ये सारे टीममेट्स तुम्हारा ठीक है, मतलब ये सारे टीम सिलेक्शन, अगर म्यूटू मिले तो मेगा म्यूटू को अंदर ले लेना, तब तक नहीं मिलता तब तक मतलब जब तक नहीं मिलता तब तक ये बेकार है। तो अपने इन सारे पोकेमोन्स को अपग्रेड करो। और तुमने भाई डायनामिक्स तो खेला है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सीपी लो है तो ऑब्वियसली डायनामिक्स उतना ज़्यादा नहीं खेल पाओगे। तो जितना भी खेला है भाई ये 73-45 ये कैसे अपग्रेड करे हो भाई, एक पोकेमोन को पकड़ो उसको अपग्रेड करो थोड़ा, क्योंकि सारे पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करोगे तो उनका थोड़ा थोड़ा पावर अप होगा और मतलब दूसरे बंदों के सामने टिक नहीं पाएगा। तो इस वजह से इनको थोड़ा थोड़ा मत करो। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि मेगा गार्चोम का कम्प्लीट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास मेगा गार्चोम नहीं है तो छोड़ो ये ग्रोडोन का कर लो, ये अच्छा तुम्हें उसकी पावर अप देगा, मतलब पावर देगा ये तुम्हें। और भाई ये गार्चोम तो ब्रेव मैक्स है, नोटी मैक्स है, हेस्टी मैक्स, सारे अच्छे से मतलब सारे अच्छे खासे नेचर है इनके पास। और एसपी में अगर हमें तो ठीक ठाक ही है थोड़ा सा, लेकिन भाई मैं कहूँगा ये टीम सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। लेकिन तुम्हारे पास कॉइन वगैरह नहीं है तो मैं हेड आइटम दिखा देता हूँ मैं। तो भाई का टीम कलेक्शन देख लो भाई, इनके पास 2 ऑरेंज वाले हैं और 4 पर्पल वाले टीम है, और जी क्रिस्टल एक रेड वाला है भाई, और टेनेसिटी भाई ऑरेंज मिल गया इनको तो भाई मेरे को तो नहीं मिलता, इस वजह से बहुत ही अच्छा खासा है। साइकिक साइड है, एनर्जी बॉल है और शील्ड है। तो अगर तुमने शील्ड को, मैं देख लूँगा इन किसको दिया है, मतलब 5 तो एक ही है भाई। और हेल्ड आइटम भाई देखो, 3 गोल्डन स्टार वाले हेल्ड आइटम है लेकिन भाई अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास ये वाला ही नहीं था। मैंने तो वर्ल्ड वॉस खेल लिया इस वजह से मिल गया भाई। तो भाई तुम वर्ल्ड वॉस खेलो डेली वर्ल्ड वॉस खेलो, ये कलेक्ट करते रहो भाई, क्या करते हो तुम भाई, तुम तो डेली खेलते हो, तुमने तो कहा। तो भाई डेली खेलते हो तो ये कलेक्ट करके इन्हें अपग्रेड करो। और भाई कॉइन के लिए मैंने एक सब्सक्राइबर का आईडी रिव्यू किया था शायद, वहाँ पर मैंने कॉइन और डायमंड के बारे में बता दिया है, तो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लेना। और स्टेमिना, ये स्टेमिना तुम क्लेम नहीं करते भाई, ये भाई कोई क्लेम नहीं करता भाई स्टेमिना, और वो मैं बाद में बताता हूँ। प्लेट में दिखा देता हूँ 4 है और मेडल 6 है, लेकिन
एक गिफ्ट किया है ब्लू वाले हैं। अभी ट्रेनर लेवल के हिसाब से ये वाला बहुत अच्छे है भाई, क्योंकि ब्रोंज में है ट्रेनर लेवल इनका, ब्रोंज में नहीं भाई ये आयरन में है शायद, आयरन में। तो आयरन के हिसाब से भाई ये नीला वाला मेडल बहुत बढ़िया है, तुम्हें दिया है यही बहुत है भाई। हमको तो नीला वाला तब मिला था जब मैं सिल्वर में था भाई। तो इनका आज का शेड्यूल देख लेते हैं भाई, क्या जीतेंगे या हारेंगे। तो भाई जीत जाएंगे भाई, जीत जाएंगे। तो ठीक है भाई, ये टीम सिलेक्शन मैंने टीम बता दिया है भाई, और मैं जो बता रहा था भाई गोल्ड और डायमंड के लिए, वो वीडियो एक सब्सक्राइबर का आईडी शायद मैंने उसकी आईडी में बताया था, मैं चेक करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, तो वीडियो भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और मैं बता देता हूँ एक क्लेम स्टेमिना हमेशा करना भाई, इससे हमेशा करना भाई, छोटी छोटी चीज़ों को अगर तुम नज़रअंदाज कर दोगे तो भाई तुम्हारा सीपी भी बूस्ट नहीं होगा, मैंने पर्सनली देखा है भाई। ये टीएम काला यहाँ से फ्री कर लेते हैं, और इनके पास पोकेबॉल भी काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ से फ्री ले देते हैं, डायमंड वेस्ट नहीं करते। और स्टेमिना के लिए मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि अभी 1.4K या 5K तक ही हो सकता है। तो भाई स्टेमिना मैं बता देता हूँ क्या करना है तुम्हें, तुम्हारा एटा 6 हो चुका है, तो अगर तुम सेकेंड टीम को अपग्रेड नहीं करोगे अभी तो भाई मैं तो कहूँगा सेकेंड टीम को भी अपग्रेड करो, थर्ड टीम को भी करो, क्योंकि भाई इससे क्या होता है तुम्हारा पावर और भी इंक्रीज होता है। तो भाई मैं यहाँ से तुम्हारे पास टीम के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ, तुम्हारे पास कायगुड़ है तो ब्लास्टोइस, स्वीकून ये दोनों, और ये एक जाइगार्ड को चूज़ कर लेते हैं, जाइगार्ड भी है इनके पास। तो भाई ये डिफिकल्ट तुमने अनलॉक क्यों नहीं किया अभी तक भाई, डिफिकल्ट अनलॉक करो भाई, क्या कर रहे हो, डिफिकल्ट अनलॉक करो, डिफिकल्ट अनलॉक नहीं किया भाई, भाई ने डिफिकल्ट खेला ही नहीं है भाई, शायद से सीपी का नहीं, सीपी का तो कोई माजरा ही नहीं भाई। डिफिकल्ट कंप्लीट करो भाई, मैं कहूँगा डिफिकल्ट कंप्लीट कर लो भाई। तो यहाँ से हर दिन भाई यहाँ से ये स्टेमिना से ये शर्ट स्वीप करना भाई, स्टेमिना वेस्ट मत करो, मतलब स्टेमिना तुम अगर क्लेम नहीं करते ऐसे ही पड़े रहने देते हो तो भाई तुम्हारा कैसे होगा। ये सारे शर्ट्स कलेक्ट करो, इन पोकेमोन को 7 स्टार 12 स्टार करो, तुम्हारा ट्रेनर लेवल इंक्रीज होगा, तुम्हारा सीपी भी बूस्ट होगा। और एक ट्रिक है, शायद मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया था, ये जो इतने सारे पोकेमोन तुम्हें दिए हैं भाई, इनको जो टारगेट दिया है इन टारगेट को कंप्लीट करो भाई, इनसे सीपी भी प्लस होता है तुम्हारा, यहाँ पे ये देखो स्टैट्स भी इंक्रीज होता है, डिफेंस है। ये सारे पोकेमोन को पकड़ के 7 स्टार करो, और वीक में ये वाला मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया था, मतलब सब्सक्राइबर के आईडी रिव्यू में पिछली बार जब किया था, तो ये वाला भी हमेशा एक हफ्ते में एक बार एक पोकेमोन पकड़ लेना हमेशा, तो वो वीडियो तुम ज़रूर चेकआउट करना भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा। तो भाई और क्या है भाई, जिम पोजीशन दिखा देता हूँ भाई, जिम पोजीशन सीपी के वजह से उतना अच्छा खासा है नहीं, और वर्ल्ड जिम में तो बात ही मत करो भाई, किंग रूपी एक्टिवेट नहीं है, तो भाई यहाँ से आरडी भी नहीं मिलता इनको, बेकार में है भाई, मतलब बेकार खेलते हैं भाई, क्योंकि अगर आपका सीपी नहीं है और अगर 40 में रहोगे तो भाई ये बेकार ही है, क्योंकि अगर आप 20 में नहीं रहोगे तो आरडी नहीं मिलेगा ना, इस वजह से भाई कोशिश करो डेली। और हाँ, ये जिम खेलना है तो भाई डेली रात को खेलना भाई, एक ट्रिक है डेली रात को खेलना, रात को 10:30 के बाद एक बार गेम ओपन करके खेल लेना भाई, क्योंकि उससे क्या होता है रात को ज़्यादा बंदे उतने ऑनलाइन आते नहीं, अगर आप ज़रा सा भी टिक जाओ तो भाई सुबह उठ के अगर वक्त मिले सुबह भी एक बार खेल देना, बस तुम्हारा पोजीशन बहुत सिक्योर हो जाएगा, जिम खेलने का एक तरीका है भाई। और गोल्ड कॉइन मैंने बता दिया है, उन सब को यूज़ करो, और अपने एक्सट्रीम ट्रेनिंग भाई, एक्सट्रीम ट्रेनिंग पे ध्यान दो, पोके कॉइन खेलो और एक्सट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करो भाई, एक्सट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। और ये डायनेमिक्स सारे पोकेमोन को थोड़ा थोड़ा मत करो, किसी एक पोकेमोन को एक ग्रोडॉन को ही करो, फुल अपग्रेड कर लो 200 तक, उसके बाद किसी और पोकेमोन पे जाना, तो मैंने बता दिया है। और एक चीज़ था मैं भूल गया, हाँ जी क्रिस्टल भाई, मेरे को देखना है तुमने कौन सा लगाया है, तो एक्सप्लो शील्ड लगाया है तो ठीक है भाई, एक्सप्लोजन अगर तुम्हें अटैक का चाहिए तो एक्सप्लोजन लगा सकते हो, उसको किसको दिया है ऐश कजम को, ये वाला लगा सकते हो, लेकिन छोड़ो। और ट्रेन एमसी लेवल भी इंक्रीज कर लो भाई,
और डायनामिक्स कोशिश करो डेली खेलने का। और ये जो मैंने एक्सचेंज कर दिया है पहले, ये एक्सचेंज डेली कर लेना भाई, डेली। कम से कम अगर तुम ये बुक्स खेल नहीं पाते तो इन्हें सेव करो, बाद में खेलना भाई, बाद में ये बुक्स सेव कर लो, बाद में खेलना। इन बुक्स को सेव करके बाद में खेलना भाई। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें ऑनलाइन आके सारे स्टेमिना यूज़ कर लो। और तुम्हारा कितने पोकेमोन का अटैच 6 हुआ है मैं देख लेता हूँ एक बार। गिराटिना का इसका अभी तक नहीं हुआ, तो भाई इन्हें क्या कर रहे हो भाई, इन्हें भी अपग्रेड करो। और शार्ट्स को डेली कंबाइन करो वहाँ से, मतलब डेली कलेक्ट करो, उसके बाद कंबाइन करके उस पोकेमोन को 7 स्टार कर लो पहले, उसके बाद 12 स्टार कर लो, तो भाई तुम्हारा ट्रेनर लेवल सब प्लस हो जाएगा। और डाइविंग मिस में तो हो ही, म्यूटू कलेक्ट करने की कोशिश करना। तो भाई आरडी अच्छा खासा है, तो मैं कहूँगा आरडी सेव करो अभी। वीडियो भी लंबा हो रहा है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या बताना था। हाँ भाई, कॉइन का एक जुगाड़ मैं बताना भूल गया शायद पिछली वीडियो में। तो भाई अगर तुम स्टेमिना डेली यूज़ करते हो ना, तो किसी ना किसी चीज़ में, तो भाई तुम्हें ये वाला मिल जाता है। देखो ये एडवेंचर से मिलता है तुम्हें, डिफ़िकल्ट हो या फिर वो नॉर्मल वाला हो जहाँ से ये अपग्रेड वाला चीज़ें मिलता है। तो भाई अगर ये तुम डेली खेलते हो तो भाई ये बहुत सारा तुम्हारे पास जमा हो जाता है, तो इन्हें भी सेल करके तुम, मतलब वो क्या होता है, सेल करके तुम ले सकते हो कॉइन वगैरह। तो मैं पहले ये जितना कम है, क्योंकि तुम्हारा बहुत सारे पोकेमोन का अवेलेबिलिटी हो चुका है शायद से मेरे ख्याल से, तो इन्हें सेल कर दो, यहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है तुम्हें, देख सकते हो कॉइन वगैरह मिल जाता है। और अगर तुम थोड़ा और कॉइन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा स्पेस टाइम रियल में जाओ, एक्सचेंज पे जाओ। थोड़ा महंगा तो मतलब पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ से इतना ज़्यादा देते कोई नहीं है, तो यहाँ से एक्सचेंज कर लो, यहाँ से भी अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर तुम्हें ये हेल्ड आइटम वगैरह चाहिए, ये तुम्हारे पास ये नहीं है ज़्यादा, जैसे कि अभी तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं है ये वाला टिकट, तो भाई अभी मत करो, अभी इनसे यही खरीदो, हेल्ड आइटम ही लो, अभी कॉइन मत लो। तुम्हें कॉइन की अभी ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास मेडल भी तो नहीं है, तो कॉइन के लिए भाई वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो गाइस वीडियो यहीं तक ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दो, और फाइनली गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।